नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। दोनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश के कई राज्यों में सरकार बनाए हुए, बीजेपी इन दोनों के कारण ही कई राज्यों में अपनी सरकार बना पाई है। महाराष्ट्र के बायंदर में धर्मांतरण के प्रयास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने एक 13 साल की नाबालिग लड़की को पिस्टल दिखाकर डराने की कोशिश की और इस्लाम कबूल करने के लिए उस पर दबाव बनाया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर हरकत में आई महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का अमिताभ बच्चन है। जैसे अमिताभ बच्चन की हर चीज चलती है, उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका ऑटोग्राफ, और उसी तरह से अजित पवार की भी हर बात पर लोगों की नजर रहती है। हर किसी को अजित पवार चाहिए, यह बयान आज एनसीपी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने दिया है। फिल्म आदि पुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आदि पुरुष को रिलीज के बाद मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में प्रभास की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही, तो वहीं सैफ अली खान के लुक और डायलॉग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी प्रभास के आदि पुरुष पर निशाना साधा है। मणिपुर में अभी भी पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हुई है। रह रहकर यहां पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद कुछ दिनों तक पूरी तरह से यहां शांति लौटी थी। चीजें पटरी पर भी आ गई थी, मगर इसके बाद फिर से दंगाई उपद्रव पर उतारू है। राजधानी के पूर्व जिले में सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य के संयुक्त बलों ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। ख्वाथा और कांगवा इलाकों में हथियारों से गोलीबारी हुई। सुबह तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। पिछले 9 सालों में ये उनका 8वां अमेरिकी दौरा होगा। उनके इस यात्रा के भारत और अमेरिका में तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसके तहत वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भारत का तिरंगे लहराते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्लान के मुताबिक बेलारूस को अपना परमाणु हथियारों का पहला जखीरा भेज दिया है। रूस ने 3 महीने पहले इस बारे में घोषणा की थी और पहला परमाणु हथियार का जखीरा बेलारूस को भेज दिया गया है। चीन ने एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। इस तरह उसके एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।